आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सभी को मालूम है कि किस तरह से सपा और यूपी की जो सियासत है वो गर्मा चुकी है, पूरी पार्टी में उथल पुथल हो चुका है। लेकिन खबर यह सामने आ रही है कि अभी भी नाराजगी जाहिर करते हुए शिवपाल सिंह यादव दिखाई दिए हैं मुलायम सिंह यादव को लेकर। बता देते हैं आपको कि दोनों भाइयों का प्यार ऐसा था कि राम और लक्ष्मण, लेकिन अब जिस तरीके से सियासत गर्मा चुकी है उससे ये महसूस होता है कि दोनों भाइयों में नाराजगी का जो समुंदर है वो लगातार लहरों को बढ़ाते जा रहा है। जी हाँ, खबर ये सामने आई है कि जब शिवपाल सिंह यादव एक मीटिंग में पहुंचे तब उनसे बातचीत की गई, उनसे पूछा गया कि क्या आप मुलायम सिंह यादव से नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूं, लेकिन हां आजम खान को लेकर उनको बातचीत ज़रूर करनी चाहिए थी। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिरकार यहां पर शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव से किस तरीके की दरख्वास्त करते हुए नजर आए और साथ ही साथ नाराज़गी का कारण क्या बताया। बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ ही अपने बड़े भाई वे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर भी कटाक्ष करने में पीछे नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने आजम खान के मसले पर मुलायम को लेकर सवाल उठाया था। इस विषय पर किसी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये जानते हैं। परिवार के मसले पर चर्चा करते हुए शिवपाल यादव से पूछा गया कि पारिवारिक कलह की वजह से आप मुलायम सिंह यादव से नाराज़ हैं। इसके जवाब में शिवपाल यादव की ओर से कहा गया कि वे मुलायम सिंह से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हैं। आजम खान की गिरफ्तारी को लेकर दिए गए एक बयान के विषय पर उन्होंने कहा कि मैंने मुलायम सिंह यादव को लेकर केवल इतना कहा है कि उन्हें आजम खान के मुद्दे को लोकसभा में उठाना चाहिए था। भविष्य की रणनीति पर उन्होंने कहा कि पहले की तरह वे अभी संघर्ष कर रहे थे और आगे भी करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कई तरीके से काम भी करेंगे। बीजेपी में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय लेंगे उसमें जानकारी वह देंगे। इसके साथ उन्होंने हाल ही में बीजेपी नेताओं के साथ हुई मुलाकात पर कहा कि राजनीति में हमेशा शिष्टाचार रहना चाहिए। साथ ही साथ वे अपने बेटे आदित्य सिंह के लिए सवाल पूछा गया तो पूछा गया कि क्या आप आदित्य सिंह के लिए टिकट मांग रहे थे, तो शिवपाल ने इस पर बताया कि जब समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें केवल एक सीट देने का ऐलान किया गया तो उन्होंने जसवंत नगर सीट से अपने बेटे को लड़ाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सपा ने मना कर दिया था। अखिलेश यादव से दोबारा मिलने की संभावनाओं पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अभी सपा का विधायक हूँ, लेकिन जो कुछ दिल में है उसे रहने दीजिए। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल यादव अखिलेश के करीब आए थे। यूपी चुनाव में सपा की हार के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच एक बार फिर से दूरियां बढ़ने लगी। शिवपाल यादव मीडिया के सामने अक्सर ही अपना दर्द बयां करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं अखिलेश ने भी हाल ही में शिवपाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि वो जो बीजेपी में है वे सपा में नहीं रह सकते हैं। तो वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगा कि उन्होंने आजम खान का मुद्दा लोकसभा में क्यों नहीं उठाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी जो उनके बहुत करीब हैं उनसे भी आजम खान को लेकर बातचीत नहीं की। अब लगता है कि मुझे ही सीएम योगी आदित्यनाथ से आजम खान की रिहाई को लेकर बात करनी होगी। बता दें कि आजम खान की उम्र 73 साल हो चुकी है और यहाँ पर बात यह आती है कि जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात के बाद बताया था कि वो बहुत ही उत्पीड़न में है, बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, तो उन्हें जल्द से जल्द जेल से निकाला जाए। तो अब इंतज़ार बस इसी चीज़ का है कि वो दिन कब आता है, क्या ईद से पहले वो दिन आ जाएगा जब निकाला जाएगा उन्हें जेल से, रिहाई हो जाएगी उनकी। आपको ये खबर कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।